जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की है कि अब दसवीं के बचे हुए पेपरों की परीक्षा नहीं होगी तथा बारहवीं की जो परीक्षाएं हैं वह 8 से 16 जून के बीच होंगी। इसके बाद उन्होंने घोषणा की है कि निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे। आइए जानते हैं पूरी खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि जो स्कूल पूरी फीस ले चुके हैं उन्हें अगली किस्तों में समायोजित करें। कोरोना वायरस के कारण बनी विपरीत परिस्थितियों और लॉकडाउन के कारण लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की दसवीं के जो शेष पेपर रह गए थे इस साल उनकी परीक्षा नहीं होगी। कक्षा दसवीं के जो पेपर हो चुके हैं उनके अंक के आधार पर होगा रिजल्ट तैयार। जो पेपर नहीं हुए हैं उनके आगे अब बस पास लिखा जाएगा। बारहवीं के जो पेपर रह गए हैं उन सबकी परीक्षाएँ 8 से 16 जून के बीच होंगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। सीएम ने यह भी कहा है 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू होने से लॉकडाउन खत्म होने की कोई भी निजी विद्यालय विद्यार्थियों के केवल ट्यूशन फीस ले सकेगा। इसके अतिरिक्त तो कोई भी अन्य फीस नहीं ली जाएगी। जो स्कूल पहली किस्त में अभिभावकों से पूरी फीस ले चुके हैं उसे अगली किस्त में समायोजित कर कम किया जाए। प्रदेश में लॉकडाउन रहने के कारण और लॉकडाउन रहने की अवधि तक सभी निजी विद्यालय विद्यार्थियों से केवल ट्यूशन फीस ले सकेंगे। केवल ट्यूशन फीस, क्योंकि इस अवधि के दौरान स्कूल बंद रहे, ट्यूशन फीस जरूरी है ताकि वो विद्यालय चल सके। लेकिन इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का शुल्क इस अवधि के बीच, लॉकडाउन की अवधि के बीच का बच्चों से नहीं लिया जाएगा। चाहे वो स्पोर्ट्स का शुल्क हो, लाइब्रेरी शुल्क हो, बसों का हो, किसी भी प्रकार का शुल्क जो ट्यूशन फीस के अलावा लगता था वो नहीं लिया जाएगा। स्कूल खुलने के बाद विद्यालय अपना फैसला करेंगे, लेकिन इस अवधि में कोई शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा।